नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल फिजिक्स बाय राय सर। हम बात कर रहे हैं फ्रिक्शन के टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 kg ब्लॉक है हमारे पास इन कॉन्टेक्ट विद वर्टिकल वॉल हैविंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5। मतलब यहाँ पर इस वॉल पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है, 0.5। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब म्यू की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। आगे बोला गया कि हॉरिजॉन्टल फोर्स 40 न्यूटन। कितना लग रहा है भाई, यहाँ पे 40 न्यूटन का एक फोर्स लगाया हुआ है अप्लाइड ऑन द ब्लॉक एट राइट एंगल टू द वॉल। मतलब इस ब्लॉक को पुश किया हुआ है कितने से, 40 न्यूटन फोर्स से, ठीक है। आगे बोला गया अनदर फोर्स ऑफ 50 न्यूटन अप्लाइड ऑन द प्लेन ऑफ द वॉल एट राइट एंगल टू द 40 न्यूटन फोर्स। मतलब क्या है कि इस वॉल के पैरेलल एक फोर्स लगा रखा है, कितना भाई, 50 न्यूटन, ठीक है। लेकिन वो किसके परपेंडिकुलर है, 40 न्यूटन जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसके, है ना, क्योंकि 40 न्यूटन जो वो परपेंडिकुलर लगा रहे हैं और जो 50 न्यूटन है वो पैरेलल टू वॉल लगा रहे हैं पर, ठीक। आगे क्या बोला गया बेटा आपने से कि अनदर फोर्स, आगे बोला गया कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो इस ब्लॉक का क्या एक्सेलरेशन होगा वो चाहिए। तो हमारे पास ये जो वॉल है उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.5 दे रखा है। नीचे 2 kg का ब्लॉक है, कितने केजी का ब्लॉक है, 2 kg का ब्लॉक। तो नीचे कितना लगेगा भाई इसमें, 20 न्यूटन। जी की वैल्यू हमने 10 दी है तो नीचे लग रहा है 20 न्यूटन, और ये 40 न्यूटन लग रहा है। तो जो 40 न्यूटन है उसी की वजह से क्या आएगा भाई यहाँ पर, 40 न्यूटन की वजह से ही आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, नॉर्मल की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब इसको समझे तो 15 न्यूटन और 20 न्यूटन जो है वो कैसे लग रहे हैं बेटा, परपेंडिकुलर लग रहे हैं। यहाँ देखो सेकेंड ब्लॉक इसमें जो डायग्राम है उसमें बना रखा है कि 20 और 15 जो है वो परपेंडिकुलर लग रहे हैं, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कितना आएगा, 25 न्यूटन आएगा। अब यहाँ फ्रिक्शन की बात करें तो एफ इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू जो है वो कितनी है, 0.5, और एन की वैल्यू की बात करें तो एन कितना हो जाएगा बेटा, 40 हो जाएगा, है ना, क्योंकि जितना यहाँ से फोर्स ऐसा लगेगा इस डायरेक्शन में उतना ही रिटर्न इसमें रिएक्शन आएगी। यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 20 न्यूटन। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 20 न्यूटन। तो अगर एफ नेट की बात करें बॉडी पर तो एफ नेट क्या होगा बेटा कि एफ रिजल्टेंट माइनस एफ फ्रिक्शन, ठीक है, इक्वल्स टू कितना आएगा भाई कि 25 माइनस 20। तो ये आ गया एफ नेट इक्वल्स टू 20, और न्यूटन के सेकेंड लॉ से एफ इक्वल्स टू एम ए। तो मास 2 kg का हो गया बेटा, ठीक है। एक सेकेंड, यहां पर जो इन दोनों का रिजल्टेंट आया वो आएगा 5, है ना, 25 माइनस 20 करेंगे तो 5 आएगा। तो 5 मास हो गया 2 और एक्सेलरेशन, तो ए इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा अपने पास यहाँ पे, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो ये अपना आंसर हुआ। तो इस टाइप के और भी मजेदार आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, अच्छी वैरायटी के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि कर बला तो बोला। थैंक यू।